मोहब्बत बड़े पाकीज़ा जज्बे का नाम है। मोहब्बत एक बड़ी सुथरी चीज़ का नाम है और मोहब्बत के काबिल सिर्फ है ही वो हबीब जो मदीने के चांद है। बाकी ये क्या बात हुई कि इधर भी मोहब्बत कर लो उधर भी मोहब्बत कर लो, अपना मेयार जमाने से जुदा रखते हैं। और भाई हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। प्यार करें तो उससे करें जो बेऐब है, जो लारैब है, उनसे मोहब्बत करें। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम से ना बड़े आगा एक सहाबी थे, हज़रत बरा बिन मालिक नाम था। छोटी सी उम्र थी, हुजूर गली से गुजरते ना कभी तो जज्बा था बड़ा, छोटी उम्र। बाद ने लिखा सिर्फ 14 साल के थे, बाद ने लिखा नहीं 14 तो ज्यादा है, 12 साल उम्र थी। इश्क लगा सी खेडा खेड दी, 12-14 साल उम्र। असल में ना बच्चों की डायरेक्शन ठीक नहीं, इनकी डायरेक्शन ठीक हो ना तो ये चौकों में खड़े होके मोबाइल पे गेमें ना खेले और माज़ल्लाह मैसेज ना करें, बल्कि ये मस्जिद में बैठ के नबी पाक की नाते सुने। हम ना वो काम कर नहीं सके। मेरे जैसे लोगों ने बड़ी कोताही की ज़िंदगी में, हम मोहब्बत रसूल का पैगाम बांट नहीं सके। हमने अपनी बीमारियाँ देखी, अपनी थकावटें देखी, ये देखा कि फ़लाँ शहर कैसे जाएँ फ़लाँ शहर कैसे जाएँ, हम वो काम कर नहीं सके जो हमें करना चाहिए था, ज़िम्मा था। बाप की जिम्मे है, नबी पाक ने फरमाया माँ बाप की ड्यूटी है अपनी औलाद को मेरी मोहब्बत सिखाएं। पर हम वो रंग दे नहीं सके, हम वो मिजाज दे नहीं सके, हमने वो कोताही की। हम नबी पाक का हुसन, हुजूर की सीरत, अखलाक आलिया, किरदार, गुफ्तार, रफ्तार, अंदाज, तरबियत, वो सारी बातें कौम को बयान नहीं कर सके, इसलिए लोग वहां पहुंचे नहीं। वरना मगज़े कुरान रूहे ईमान जाने दी हस्त हुबे रहमतल आलमीन, हम वहां तक ले जा नहीं सके। हजरत बरा बिन मालिक ना 12 साल की उम्र है, 12 साल नबी पाक गली से गुजर रहे थे तो दौड़ के आ गए, आके ना हुजूर से चिमट गए। अर्ज करने लगे हुजूर कोई हुक्म बताएं, मेरा दिल करता है आपकी बात मानू, कोई हुक्म हुजूर। मजमा उस जवायद में हदीस, इस एक हदीस के लिए ना मैं को 5,000 रुपए की पूरी किताब, पूरी 10 जिल्दे खरीद के लाया था एक हदीस के लिए। प्यारी बड़ी है, शानदार बड़ी है। वहाँ मेरा दिल किया, मैंने कहा जिस किताब में है ना सारी किताब ही मंगा लो। कुछ चीज़ें बड़ी इंसान को अनोखी लगती है ना। हजरत बरा बिन मालिक रदी अल्लाह, छोटी सी उम्र है, हुजूर से लिपट गए तो हुजूर ने फरमाया बेटे क्या हुआ? आज करने लगे हुजूर कोई हुक्म बताए, मेरा भी दिल करता है अमल करूँ। तो हुजूर ना छोटे छोटे काम बताते, दुकान से, ये बच्चों को यही बताना होता है ना, दुकान से ले आ, ये कर दे, फलां को बुला ले। लेकिन हुजूर उनकी गैर मौजूदगी में उनका जिक्र बड़ा करते। एक दिन कुछ लोग कहने लगे हुजूर बड़ा जिक्र करते हैं पर वो करता तो छोटे मोटे काम है बच्चा। तो नबी पाक ने एक दिन इरादा किया कि इनको तजर्बा ना कराएं कि वो प्यार कितना करता है। रसूल करीम फरमाने लगे मैं जो कहूँगा करोगे? हुजूर करूँगा। फरमाया जाओ अपने बाप की गर्दन काट के लाओ। किसकी जी? जी बात तो मोहब्बत की हो रही है, कड़वी सी बात ना कर लूं, कड़वी सी तो रहने देते हैं, आपका प्रोग्राम नहीं तो छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाए, जरा कड़वी सी है कर लूं जी, बोलिए। यानी बाप की, हम मोहब्बत रसूल में सिर्फ दाढ़ी की बात करते हैं, किसी की गर्दन की नहीं। सिर्फ हम कहते हैं हुजूर से मोहब्बत है तो, मैंने कहा था ना कड़वी है, आपने मुझे घूरना शुरू कर दिया और खासा तेज़ घूर रहे हैं आप। और खुदा के बंदो ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है, किसी को ना अच्छी लगे, किसी कोई तारीफ ना करे, पर मेरे रसूल को तो अच्छी लगती है कि नहीं? नबी, एक बंदा मुझे कहता है दाढ़ी के नाम पे लोग ताने बड़े देते हैं, दाढ़ी रखी है तो ये करता है। तो मैंने कहा ये नबी पाक के नाम का ताना, इसे खुश होके कबूल कर, इसका बड़ा मजा है, इसको यूं जूं सीना खोल के कह दे ताना, दे ताना। तो कभी कभी ना ऐसा होता था, मैं पढ़ता था तो कभी गुजरते तो कहते वो जा रहे हैं दाता साहब वाले, वो जा रहे हैं गौस पाक वाले। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, ये इस तरह हमें रोज छेड़ा करो, इस तरह रोज छेड़ा करो, हमें खुशी होती है। और यहां भी कहना और कयामत में जाके भी यही कहना कि ये दाता साहब वाले हैं, वहां भी कहना कि ये गौस पाक वाले हैं, ये छेड़ो हमें, हम ये छेड़ते हो तो हमें मजा आता है, ये कहा करो हमें, रोज कहा करो। अल्लाह ताला हमें अकीदे पर इस्तकामत नसीब फरमाए। आगे बढ़ता हूँ, बात मुकम्मल करता हूँ। हज़रत बरा बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हो ना, हुज़ूर ने फरमाया अपने अब्बा का सर काट के ला, तो वो दौड़े। एक रवायत में है कि मौला अली के गले में तलवार लटक रही थी, यूं खींची
और इसने जज्बात से दौड़े कि हुजूर ने फरमाया इसे पकड़ लो वरना ये गर्दन काट भी लाएगा, पकड़ लो इसे वरना ये काट देगा। अल्लाह की कुदरत के थोड़ा वक्त गुजरा तो वो बीमार हो गए। दिन में दो मरतबा मेरे नबी पाक तीमारदारी करने जाते, एक शाम रसूल करीम तशरीफ ले गए तो हुजूर सराहने बैठे, माथे पे हाथ रखा तो करीम महबूब उनके बाप की तरफ कान में कुछ कहा उनके वाली से, हुजूर रोने लगे और फिर हुजूर ने दोबारा माथा चूमा, प्यार किया और चले गए। हजरत बरा बिन मालिक छोटी उम्र थी, कुछ ने लिखा तलहा बिन बरा नाम था इनका, तो हजरत तलहा बिन बरा ना अपने अब्बा को करीब बुलाया और चारपाई में बिठाया, कहने लगे अब्बा जी हुजूर क्या फरमा गए? कहा बेटा तेरे वाली बात नहीं। कहा नहीं बताइए? कहा नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शाम को ना मेरे तलहा का इंतकाल हो जाएगा और जब इसकी रूह परवाज कर जाए तो मुझे खबर करना, मैं आके जनाजा पढ़ाऊँ। ठंड बड़ी थी मदीने में, ठंड बड़ी थी, हजरत तलहा ने ना अपने बाप का हाथ पकड़ा और अपने सीने पर रखा, कहने लगे अब्बा हुजूर तो जो फरमा गए पर मेरी वसीयत याद रखना, नबी पाक के दीन का कानून ये है कि जब कोई इंतकाल कर जाए तो जल्दी दफन करो, इस तरह करना रात का वक्त होगा जब मेरा इंतकाल होगा तो फौरन गुसल दे के ना दफन कर देना, नबी पाक को खबर ना करना ना बताना, उम्र देखो और बात देखो। कहो हुजूर को क्यों नहीं बताना, हुजूर खुद फरमा के गए हैं। तो कहने लगे रात का वक्त होगा तो जिन गलियों से हुजूर ने गुजर के आना है ना वो यहूदियों के मोहल्ले हैं, ऐसा ना हो कि मेरे जनाजे की वजह से कोई यहूदी मेरे नबी को तकलीफ दे दे, मेरे जनाजे की वजह से, जनाजे की वजह। यहाँ कहते हैं हजरत साहब मुझे बड़ा प्यार है आपसे पर मेरे घर जरूर पहुंचे, जैसे मरे या जिए वहां शाम को आपको पहुंचना पड़ेगा। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों ने देखो अंदाजे मोहब्बत क्या बयान फरमाया, कहा नबी पाक को तकलीफ ना हो मेरी वजह से, मेरा जनाजा खुद ही पढ़ के मुझे दफन कर देना। उनका इंतकाल हो गया, रात को दफन कर दिया, सुबह हुजूर तशरीफ लाए, वो महबूब जिन्हें अल्लाह ने गैब के खजानों की कुंजियां अता फरमाई, फरमाया बताया क्यों नहीं मुझे बताते, मैं खुद जनाजा पढ़ता, मैं खुद ना कब्र मेरी ते मेरे अपीरा जे कर पावे फेरा, कब्र दे अंदरों हड्डियां उठ के मुजरा कर सन तेरा, कहा बताया क्यों नहीं, खबर क्यों नहीं की, मैं जनाजा पढ़ता मैं खुद पहुंचता। तो बाप रो पड़े, अर्ज करने लगे हुजूर मेरा तो पुत्र था, मेरे लिए इससे बड़ी सआदत क्या होती कि आप जनाजा पढ़ाते, पर उसने वसीयत कर दी कि हुजूर को बताना नहीं तकलीफ होगी। नबी करीम फरमाने लगे बताओ मुझे उसकी कब्र कहाँ है। और यारो गौर करना, सारी दुनिया गुंबद खजरा रोज़ा रसूल पे और नबी पाक एक गुलाम की कब्र पे तशरीफ ले गए, खुद नबी करीम गए और आज हुजूर ने दुआ अनोखी फरमाई, फरमाया ऐ अल्लाह जब मेरा तलहा तुझसे मिले ना तो जरा इससे मुस्कुरा के बात करना जो तेरी शान के लायक। रसूलुल्लाह की मोहब्बत, नबी पाक की गुलामी, रसूलुल्लाह का प्यार, आला हजरत कहते हैं जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज फुजू करे खुदा, ओ भाइयों जिसको हो दर्द का मजा वो नाजे दवा उठाए क्यों। और आला हजरत फरमाते हैं जलना तो है, कोई दौलत के लिए जलता है, कोई शोहरत के लिए जलता है, कोई इख्तदार के लिए जलता है, फरमाने लगे ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो सारी आग बुझा देगी वो